जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम सुबह क्या लेके आए हैं? सुबह हम कुछ विटिसिज्म्स लेके आए हैं और कुछ इधर उधर का छोटा मोटा लतीफा लाए हैं। लेकिन पहले आप विटिसिज्म्स सुनिए तो मज़ा आएगा आपको। बर्नर्ड शॉ प्ले राइट है, आपको पता ही होगा, और बड़ा अच्छा प्ले लिखते थे और बड़े नामवर थे। तो ये उन दिनों की बात है जब अभी वो ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, तो लेकिन विट्टी बहुत थे। उन्होंने क्या किया, प्ले लिखा और प्ले लिख के दो टिकटें विंस्टन चर्चिल को, जो उन दिनों प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनको दिए। साथ में क्या लिखा, लिखा कि हजूर एक टिकट तो आपके लिए है और दूसरी टिकट आपके दोस्त के लिए, अगर आपका कोई दोस्त है। तो वो कम बिटी नहीं था, उसने वो दोनों टिकट लौटा दिए और लौटा के ये लिखा कि भई पहले शो के लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिजी हूँ, तो आप दूसरा शो उसके टिकट भेज दीजिए, इफ़ एनी, यानी अगर कोई होता है दूसरा शो तो। बड़ा बरजुस्ता जवाब दिया कि अगर कोई दूसरा शो होता है तुम्हारा तो उसके टिकट भेज देना, लीजिए। अब एक क्रिटिसिज्म आप वोल्टेयर का सुन लीजिए। वो बड़ा नामवर राइटर था, पोइट भी था और कमाल का इंटेलेक्चुअल था। उसको फ्रेडरिक दी ग्रेट ने बुलाया प्रशा के, तो वो उसको शौक चराया था पोइट्री लिखने का फ्रेडरिक दी ग्रेट। अब वो अच्छा है, लेकिन क्या बेचारे को पोइट्री लिखनी आती, लिख तो सकता नहीं था ज़्यादा, पर चलिए फिर भी उसने कुछ लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लिखी और सुनाई उसको कि जनाब फरमाइए क्या है। तो कहने लगे जी ना ही पूछिए तो अच्छा है। कहते नहीं नहीं नहीं, अपनी ओपिनियन दो, अपनी फ्रेंक ओपिनियन दो, मैं कैसे लिखता हूँ। तो कहते हजूर अनवर, ये आपने क्या अंट शंट लिखा है, इसमें कुछ बेतुकी सी बात है, ना कोई राइम है, ना कोई रिदम है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या मैं इसका क्या इसका कहूँ। तो उसको गुस्सा चढ़ गया कि इतनी मेरी बेइज्जती कर दी, उसको पकड़ के भिजवा दिया जेल खाने में। उसको हफ्ते दो हफ्ते रखा और उसको फिर बुलवाया, कहने लगा देखो मियाँ, ये हमने और मेहनत करके और बड़ी खूबसूरत पोइट्री लिखी है, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी और आपके जो कमेंट्स हो गए वो आपके इतने तीखे और इतने वो नहीं होंगे बुझे हुए। तो उसने सुनाई, एक सुनाई, दूसरी सुनाई, तो वो वोल्टेयर उठ खड़ा हुआ और जूती पहनने लग गया। कहने लगे मियाँ ये क्या बेअदबी है, तुम उठ के चले कहाँ हो। कहते जी मैं जेल चलिया, फिर भी तो भेज नहीं होते मेरे कमेंट सुन के, तो मैं फिर पहले ही चल पाया। मतलब क्या कमेंट्स दिए उसने। लेकिन ये निडर लोग होते थे कि ऐसे यार जेल सुट ले, थोड़ी देर पोइट्री बढ़िया हो जाएगी। आजकल क्या हाल है जनाब पोइट्री का या और किताबों का, बड़ा सीधा काम है, जो मर्जी अंट छंट लिख लो, पब्लिशर के पास जाओ, उसे पैसे दो, वो छाप देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
उसके बाद बेशक आप कमेंटेटर भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्रिटिक्स, तो वो भी तारीफ कर देंगे, आप फंक्शन भी कर लें, और तो ऐसे आजकल चलता है। चलिए हम हमें उनसे क्या, हम विटिसिज्म की बात कर रहे थे, तो एक तीसरा उर्दू में सुनिए। वो शेर था, ये किस्सा मैंने कहीं सुनाया है किसी वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके साथ चलता है, तो सुनिए, दोबारा भी सुन सकते हैं आप अगर आपने सुना पहले, पर क्या पता आपने वो मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी। तो वो क्या है कि उन दिनों की बात है जब लाइव रेडियो स्टेशन होता था और एक गाने वाला गा रहा था, उसे ज़्यादा उर्दू की समझ नहीं थी, तो आ गया चलो सुपारशी होगा, तो उर्दू की गाने की अगर समझ थी भी तो उसे कम से कम उर्दू की इसकी समझ नहीं थी। उसमें एक शेर था, कैद हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। ये कैद हयात होती है ज़िंदगी की कैद, और जो गम है वो होता है, गम होता है आपको पता है कि, मतलब कहने का ये है कि मैं पूरा शेर पढ़ देता हूँ कि कैद हयात बंदो गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो उसने क्या किया बेवकूफ़ ने, वो क्या पढ़ रहा है, कैदो हयातो बंदो गम, यानी एंड होता है वो जो है वो एंड होता है, तो और वो जो नीचे कैदे होता है तो वो का होता है। तो एक सुन रहा था, उसको बड़ी कोफ्त हुई, तो उसने फट से एक फ़ोन किया, भी लाइव प्रोग्राम आ रहा था, तो उसने डायरेक्टर को फटाफट कहा कि वो जो गा रहा है ना बंदा, उसे कहो कि ये जो कैदो हयातो बंदो गम, ये असल में चारों एक है। ये तो वो बोल रहा था कि दोनों एक हैं, कि ये तो चार हो गए अगर वाह वाह लगा के। तो ये था एक तीसरा। तो अब एक और सुनाता हूँ, ये भी विटिसिज्म ही गिना जाएगा, कि नेपोलियन बोनापार्ट, उसने बड़ा नाम कमाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन जो बड़े भी होते हैं उनसे कोई गलती हो जाती है। उसने जब रशिया पे हमला किया तो ग्रैंड आर्मी लेके गया, उससे गलती क्या हुई कि उसने सर्दियों का ख्याल नहीं किया, वहाँ का जो विंटर था, और तैयारी तो बड़ी थी, फौज भी बड़ी थी, असला भी बड़ा था। तो वहाँ पे ये पिक्चर भी मैंने देखी हुई है, तो बड़ी प्यारी पिक्चर बनी हुई है वॉर एंड पीस। तो उसमें एक जनरल होता है मोटा सा है, तो उसको पूछा कि भाई ये क्या बनेगा, कहता हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे, जला देंगे। कहने लगे कि तुम्हें घबराहट नहीं होती कैसे, ये फिर तुम लड़ेगा कौन। तो कहने लगा, उसने कहा कि हमारे पास दो बहुत बड़े जनरल हैं, एक का नाम है जनरल मड और एक का नाम है जनरल विंटर। खैर ये तो हिस्ट्री है कि वो रशिया जीत गया था, क्योंकि वो जो मतलब इतनी ठंड थी, वो उनको रसद ही नहीं मिली,
और जब वापस हुए तब उन्होंने पे हमला भी कर दिया, उस पर हमला खोल दिया उस पर। तो मतलब वो जो रिट्रीट कर रहे थे उन पे भी उस वक़्त उन्हें हमला किया। तो अब क्या हुआ, वो ग्रैंड आर्मी तो बेचारी बिल्कुल ही ठंड से मर गई, राशन नहीं मिला उससे मर गई, और बुरा हाल था। और बड़ी शानदार पिक्चर देखी थी मैंने उसमें, लेकिन जो चीज़ वो मैं सुनाने जा रहा था उनमें से गिरते पड़ते एक आदमी जो फौज में था किसी तरीके से बचते बचाते जर्मनी पहुंच गया। तो वो जाके किंग के सामने खड़ा हुआ, तो उसका बुरा हाल था, मतलब ना तन पे कपड़ा फटा हुआ, हाल बुरी, जान है नहीं। तो वो उसको जब पेश किया गया, वो मुश्किल खड़ा हो सकता था, तो उसने पूछा हु आर यू, तो उसने जरा सीधा खड़ा हुआ, थोड़ा तन के खड़ा हुआ, छाती पे हाथ रखा, कहने लगा आई एम द ग्रैंड आर्मी। बताया भी ये हाल है आर्मी का, मुझे अब रुकता हूँ मैं यहाँ, मुझे आवश्यकता होगी रुकने की, लेकिन मैं आपको संगीत ज़रूर सुनवाता रहूँगा। बहुत बढ़िया।